पता नहीं, जनता तय करेगी किसकी बनाएगी अपनी सरकार। चुनाव से पहले चुनाव की बात, हर दावेदार से कराएंगे आपकी मुलाकात। देखिए विधानसभा चुनाव पर चुनावी चर्चा। नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी भारती समाचार में। मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। डीबी भारती समाचार के संवाददाता चंद प्रकाश राठौर ने दावेदारों से खास बातचीत कार्यक्रम में बहुजन समाजवादी पार्टी के विधानसभा क्षेत्र सिरसागंज प्रत्याशी पंकज मिश्रा से खास मुलाकात की। सरकार बनते ही 101 गौशाला का निर्माण, गरीब कन्याओं का निःशुल्क विवाह, पेयजल, बेरोजगारों को नौकरी और किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे, ये देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी भारती न्यूज़। मैं आपके साथ चंद्रकांत राठौर। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत मौजूद है फिरोजाबाद लोकसभा के विधानसभा क्षेत्र सिरसागंज के बसपा प्रत्याशी पंकज मिश्रा जी। जानते हैं उनके बारे में, उनके कैरियर के बारे में। मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार मिश्रा जी, अभी तक आपने कितने चुनाव लड़े और ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि मैं राजनीतिक में आऊँ और समाज की सेवा करूँ? आप पहले से ही एक समाज सेवी हैं, उद्योगपति हैं। ये प्रेरणा मुझे पूज्य गुरुदेव ब्रह्मनाथ बाबा जी से मिली, गरीबों की सेवा करने की, और उसी पे अपना जीवन चल रहा है। अभी तक पूज्य गुरुदेव की कृपा से करीब 600 कन्याओं का सामूहिक विवाह समारोह हम सब ने समाज से चंदा लेके, आम आदमी से चंदा लेके कराया। और 8-10 लखवीर सिंह लखा जी के जागरण करवाए हैं, भागवत भंडारे करवाए हैं, और जो बेचारे गरीब बच्चे हैं जिनके लिए फीस वीस की व्यवस्था नहीं होती, उनकी करीब 5,000 बच्चों की फीस की व्यवस्था की है। अगर कोई मेरे पास आया तो उसकी मैंने मदद की है गरीबों में। और हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या किसान भाइयों के भी जो है, जो गाय माता नंदी बाबा घूम रहे, इसकी है। इसके लिए कहते तो समय लेकर करना कोई नहीं चाहता। अधिकांश ये गांव में भी ये चर्चा है, लोगों का भी कहना है कि आवारा पशु घूम रहे हैं, ये जब सत्ता में आते हैं तो इनके लिए हम क्या करेंगे? जो लोग आवारा पशु कहते हैं उनसे मेरा निवेदन है, गाय माता है, नंदी बाबा है, उनके लिए मैं बता चुका हूँ कई बार, 1,000 गौ माता की गौशाला का बड़ा निर्माण कराया जाएगा 1-1.5 दिन के अंदर। और अगर कोई अपने गांव देहात में सेवा करना चाहता है तो कम से कम 25 गौशाला में गाय माता होनी चाहिए, नंदी बाबा होनी चाहिए। 25 से देखो तो चलेंगे, कम नहीं होनी चाहिए। 30 रुपये सरकार देती है, और जिस तरीके से समाज से चंदा करके आम आदमी से मैंने गरीबों की मदद की है, उन्हीं से चंदा करके 30 रुपये मैं भी दिलवाऊंगा उनको, जिससे एक गाय माता का 60 रुपये करीब हो जाएंगे। आप जनसंपर्क कर रहे हैं, गांव में घूम रहे हैं, तो लोगों की क्या मांग है? सबसे बड़ी मांग तो किसानों की यही है। जो किसान बेचारा 3-4 महीने मेहनत करता है, रात दिन जागता है, रात को पानी लगाता है, और गौ माता उसकी जो खेती को जाड़ देती हैं, गलती गाय की भी नहीं है। अब किसी को भूख लगेगी तो कुछ भी करेगा, इंसान को भूख लगेगी तो वो डकैती भी डालेगा, तो वो तो बेचारे अपना पेट भरने के लिए उनको खेत में जाके खाना पड़ता है, तो उसी की व्यवस्था तो मैं कह रहा हूँ बार बार। गौ माता उसकी जो खेती को जाड़ देती हैं, गलती गाय की भी नहीं है। अब किसी को भूख लगेगी तो कुछ भी करेगा, इंसान को भूख लगेगी तो वो डकैती भी डालेगा, तो वो तो बेचारे अपना पेट भरने के लिए उनको खेत में जाके खाना पड़ता है, तो उसी की व्यवस्था तो मैं कह रहा हूँ बार बार। 101 दिन के अंदर मेरी विधानसभा के अंदर कोई भी गाय माता नंदी बाबा आपको घूमते हुए नहीं मिलेंगे, उनको गौशाला में स्थापित कर दिया जाएगा। सरकार का दावा है कि सरकार ने युवाओं को नौकरी दी, और युवाओं का ये कहना है कि सरकार ने बेरोजगारी फैला दी है, यदि आप सत्ता में आते हो तो बेरोजगारों के लिए क्या अहम मुद्दा रहेगा? बेरोजगारी तो है, अब ये सरकार का इशू है। जो माननीय बहन जी हैं जो सरकार के हिसाब से नौकरी देंगे, मैं प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ, अपने विधानसभा क्षेत्र में 5,000 युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में नौकरी दिलवाऊंगा 110%। देखते रहिए डीबी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।